अनबॉक्सिंग करने वाले हैं DAC-830 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 मेगापिक्सल कैमरा है और 8 ऑप्टिकल जूम है, 25 mm वाइड एंगल है और एच मूवी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 2 ईयर का वारंटी है, 16 GB मेमोरी कार्ड इसमें फ्री मिला है और ये भी फ्री मिला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 GB का मेमोरी कार्ड फ्री है और यहाँ पर आपका कैमरा है। कलर वेरिएंट बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने ये कलर पिक कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर है। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क दिया हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। सोनी की तरफ से वारंटी कार्ड है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है, कैमरा केस बहुत हार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कुछ पेपर वर्क है, आप चाहे तो इसमें बाद में पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 GB का SD कार्ड मेमोरी कार्ड फ्री है, इसमें इसको निकालते हैं। सोलह जीबी का एच डी कार्ड इसमें, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर, यहाँ पर आप चार्जर मिल जाएगा जिसका आउटपुट है 5 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर। देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 एम्पियर इसका आउटपुट है, तो ये बहुत सस्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बॉक्स पर है कुछ और कंटेंट, तो चार्जिंग के लिए दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इसे सेट कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर USB केबल दिया हुआ है जिससे आप चार्ज भी कर सकते हैं और फोटो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फीता दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं कैमरे पे, यहाँ पर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बॉक्स पे एक और है बैटरी, ये आपका कैमरा का बैटरी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर सॉरी, ये आपका बार कोड है। बॉक्स को आप रखते हैं साइड में और देखते हैं कैमरा को कुछ सेटअप करते हैं। यहाँ पर ऑन ऑफ दिया हुआ है, लॉक एंड ओपन, ओपन करते हैं, बैटरी को करते हैं। भर दिया और इस SD कार्ड को भर दिया और ऑन। कुछ सेटअप के बाद हम कैमरा को थोड़ा पॉज करके कुछ सेटअप के बाद दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैमरा हमारा सेटअप हो चुका है, तो ऑन हो गया आपका कैमरा और यहाँ पर ऑन हो चुका है। ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बटन दिया हुआ है, एक एक फोटो के लिए, एक पनोरामा के लिए और एक वीडियो के लिए। तो आप पनोरामा भी खींच सकते हैं। ये 3 ही इस कैमरे में ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। NFC भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है। जो इस कैमरा को ख़रीदना चाहता है उसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा,
क्योंकि NFC और वाईफाई आपको नहीं मिलेगा इसमें, तो आपका बजट थोड़ा कम है तो भी इस कैमरा को लीजिएगा, वरना आप WX800 भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा कैमरा है, मैंने देखा है। बैटरी थोड़ा कम है तो हम चार्ज में लगा देते हैं, और आपको दिखाते हैं फोटो कैसा आया है, एक फोटो खींचते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस कैमरे से खींचा गया एक वीडियो, तो वीडियो तो अच्छा ही है, तो आप चाहे तो इस कैमरा को खरीद सकते हैं या आप बड़ा वाला खरीद सकते हैं जो आपका बजट अच्छा है, तो या बजट कम है तो ये खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कैमरा है वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन फोटो के लिए इतना अच्छा नहीं होगा शायद। इसका फोकस भी अच्छा है, जल्दी फोकस ले लेता है। दोस्तों ये मेरा अपना खुद का फीलिंग्स है कि मैं YouTube पर आया हूँ दोस्त बनाने के लिए, तो आप ज़रूर मेरा दोस्त बनिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई कमेंट करता है तो मैं उसका कमेंट ज़रूर दूंगा और मैं उसका दोस्त ज़रूर बनूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसका मैं इसका मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप क्वेश्चन के आंसर में दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कमेंट से पिक करूंगा, इसलिए क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में छोड़िए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसका क्वेश्चन आंसर सेशन में लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद ही, तो चलिए ख़त्म करते हैं।